क्या है दोस्तों, कैसे हैं आज आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ही अच्छी हूँ, बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि आज बहुत ही प्यारा सा आपके लिए घर ले आए हैं। आप बहुत बोल रहे थे हमसे कि यार कुछ ऐसा दिखाओ कि घर के अंदर स्विमिंग पूल भी मिल जाए, लग्जरी कॉन्सेप्ट भी हो, लग्जरियस बना हो, साइज़ भी अच्छा हो, गार्डन भी हो और साथ ही साथ में एक होम थिएटर एरिया भी हो, पार्टी हॉल भी हो। मतलब ये सारी चीज़ें आप चाह रहे थे घर के अंदर हमें दिखा दो कि हमें देखना है, बहुत टाइम हो गया। तो आपके लिए ले आए हैं एक ऐसा ही घर। तो हमारे साथ ना इस वीडियो के एंड तक बने रहे, कोई भी एरिया को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर कुछ भी स्किप किया तो आपका कोई भी जो इम्पॉर्टेंट वाला पॉइंट होगा वो मिस हो सकता है। तो आज आपका दिल गार्डन गार्डन करने के लिए ले आए हैं एक 450 गज का ड्यूप्लेक्स हाउस, जिसका डायमेंशन रहेगा 45x90 का। सो साइज तो हमने जान लिया है कि बाहर की जो रोड है वो भी हम देख लेते हैं। अपनी निगाहों को इस रोड पे डालिए, कितनी ज़्यादा वाइड है। करीबन ये आप 80 फीट की वाइड रोड आपको घर के बाहर मिल जाती है। आसपास का एरिया भी बहुत अच्छा है, आपको एक से एक घर देखने को मिलेंगे यहाँ पे। आसपास में एक से एक घर बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं श्योरली। और आप सोच रहे हैं यार सब तो बताई जा रही है, आज इसको क्या हो गया, लोकेशन क्यों नहीं बोल रही है। लोकेशन तो बहुत जल्दी बोल देती है। मैं बताती हूँ लोकेशन पर अभी नहीं बताऊँगी। आप ना मेरी इस वीडियो के कहीं ना कहीं बीच में लोकेशन छुपा हुआ है, आपको ढूंढना पड़ेगा कि मैंने कहाँ पे आपको लोकेशन बताई है। तो लोकेशन के लिए पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी हमारी। यहाँ पे आज आपको ये वीडियो दिखा रही है, घर दिखा रहे हैं, वो है प्रॉपर गेटेड सेक्टर, गेटेड सोसाइटी के अंदर। गेटेड सोसाइटी के अंदर आज आपको ले आए हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है आप सभी को इस घर को देख के। आपका दिल भी बोलेगा यार इतना पैसा कमाना है कि ऐसा घर मैं अपना बना सकूं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह, ना आपके टाइम को वेस्ट करते हुए, चलिए शुरुआत करते हैं हमेशा बर्म स्पेस से। तो आपका बर्म एरिया ऐसा आ जाता है। आप देखिए स्पेस काफ़ी अच्छी मिलती है आपकी, एक बड़ी गाड़ी की पार्किंग, मेरे हिसाब से दो बड़ी गाड़ियों की पार्किंग आपको मिलती है। घर के बाहर वाइड रोड है तो आप घर के बाहर भी अपनी पार्किंग कर सकते हैं। कल को गेस्ट आते हैं आपके घर में पार्टी वार्टी करने के लिए, रिलेटिव्स आते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कल को शादी वाला माहौल बन जाएगा घर में, तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि प्रॉपर वाइड रोड है, कितनी भी गाड़ियाँ आ जाएंगी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मेरे को ना एक बात याद आई है कि बर्न स्पेस बताते बताते मैंने एलिवेशन की तो आपसे बात ही नहीं की है। यार एलिवेशन की बात क्यों नहीं की, मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा एलिवेशन आज के घर का रहेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा काम इसमें जो किया गया है वो बहुत ही अच्छा है। वुडन का वर्क हमें नज़र आ रहा है, लाइट्स काफ़ी अच्छी आ रही हैं यहाँ पर। मतलब मैं कहूँगी इसका जो नाइट लुक है वो भी बहुत सुंदर आएगा इस घर का, बहुत ही ज़्यादा कमाल का। ऑल ओवर एलिवेशन इज फैंटास्टिक। सो मेरे प्यारे दोस्तों एलिवेशन हम देख चुके हैं, तो अब बात करते हैं घर के अंदर के इंटीरियर डिजाइंस की। बहुत ही अच्छा है, मतलब जितना आप बाहर से देख रहे हो ना इससे भी ज्यादा दुगना घर के अंदर है। बहुत ही अच्छा काम देखने को मिलेगा घर के अंदर। आप मुझे बताइए जब आप भी अपना घर बनाएंगे तो आप बेस्ट टू बेस्ट काम करवाएंगे, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे डेफिनेटली, है ना, बिल्कुल ना। ये भी ओनर हाउस है जिन्होंने बनाया है अपने लिए, उन्होंने एक से एक काम करवाया है, बहुत पैसा लगाया। आप देखेंगे आप खुद ही बोलेंगे यार डेफिनेटली बहुत अच्छा काम इन्होंने अपने घर में किया है। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा खुद से ही जाके, कहीं आपको ये ना लगे कि मैं झूठ कह रही हूँ। ना 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 ना, झूठ तो हम बिल्कुल नहीं कहते क्योंकि सारी सच्चाई हमारी वीडियो में आई जाती। और घर के बाहर ही आपको बैठने के लिए अपना पर्सनल गार्डन मिल जाता है, एक सेपरेट पर्सनल आपका गार्डन आ गया। सुबह शाम को यहाँ पर बैठ के कॉफ़ी टी इंजॉय करने में कितना मज़ा आएगा। अरे यहाँ पे संतरे का पेड़ भी है, वाह वाह क्या बात है। ये देखो छोटा संतरे का पेड़, इसमें छोटे छोटे संतरे अभी लगे हुए हैं, आई गेस संतरे ही हैं या मे बी नींबू है, आई डोंट नो, बट हाँ कुछ तो लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी बात है। एलोवेरा यहाँ पर आ गया, पुदीना भी है यार, यहाँ तो काफ़ी कुछ, अमरूद भी है उधर, तो वाह वाह क्या बात है। आप अपने ही घर के अंदर, आप अपने घर में ही एक छोटा सा मिनी गार्डन बनाकर जिसमें आप अपना साग सब्जियाँ लगा सकते हैं, फ्रूट्स लगा सकते हैं, आपके घर की खेती हो जाएगी, मज़ा ही आ जाएगा, है ना। तो चलिए अब चलते हैं सीधा घर के अंदर।
से एंटर करते ही सबसे पहले हमें एक गेट मिलता है। यहाँ पे आपका बड़ा गेट आ जाता है जो कि स्लाइडिंग गेट रहेगा, साथ में एक छोटा गेट भी आ जाता है अगर आपको इन केस आपको गाड़ी अंदर बाहर नहीं करनी है एंड टू व्हीलर आपको यू नो अंदर लेके जाना है या बाहर लेके आना, तो आप आराम से यहाँ से इन एंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाइए घर के अंदर की पार्किंग स्पेस पे। तो पहले इधर वाला एरिया देखिए, इधर वाला एरिया बाद में देखेंगे। तो ये वाला एरिया आपका अगेन पार्किंग का आ गया। यहाँ पे भी आप लगभग अगर मैं बात करूँ गाड़ियों की पार्किंग की, दो गाड़ियाँ आपकी लग जाएंगी। यहाँ पे एक गाड़ी ऑलरेडी पार्क्ड है, एक और गाड़ी की पार्किंग यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिल रही है। एंड श्री वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। ये देखिए घर के अंदर भी नहीं गए हैं, जस्ट अभी घर के बाहर ही हैं पार्किंग एरिया में, और कितनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं यहाँ से। ये बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है, करवाया है ओनर जो यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करवाया है यहाँ पर। ये बहुत सुंदर लग रहा है, देख कर ही ना दिल खुश हो गया ये देख के, सच में बता रही हूँ, सच में खुश हो गया। हेलो, क्या हाल चाल? काम के बीच में थोड़ी बहुत मस्ती तो करनी चाहिए, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? अब देखिए इधर, यहाँ पर जैसे हमने बाहर देखा, बाहर तो एक्चुअल ग्रास के साथ प्रॉपर गार्डन बनाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसी तरीके से इस एरिया को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए यहाँ पर जो ये आर्टिफिशियल ग्रास का काम है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपका यहाँ पर सेटिंग, जैसे अभी मैं बैठी हुई थी, इन्जॉय कर रही थी, दो मिनट के लिए, सिर्फ दो मिनट के लिए इन्जॉय किया मैंने। वैसे हालांकि मैं वीडियो बनाते हुए फुल ऑन इन्जॉय करती हूँ कि घर ऐसे देखने को मिलते हैं तो ऐसा लगता है यार कल को अपना भी घर ऐसा ही लेना है। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे वाओ यार, ये तो ये जो वाटरफॉल यहाँ पर हो रहा है बुद्धा जी, कितना अच्छा लग रहा है ये देख कर भी। ये काफ़ी पीसफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी ऐसे बैठ के यहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं आपके अपने ही घर में, बहुत ही मज़े आ जाएंगे। सारी वीडियोस है ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिट्स मिलते होंगे। एक तो जिन्होंने अपना घर अभी लेना है, एक उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है। एक और बेनिफिट है कि आइडियाज़ बहुत मिल जाते हैं। कहीं आप दूर सिटी में हैं, किसी और सिटी में हैं, आप इधर नहीं घर ले सकते बट आप उधर ही ले रहे हैं, तो आपको आइडियाज़ भी एक हमारी वीडियो से मिलते रहते हैं। तो चलिए वो बातें तो हमारी होती रहेंगी। बाकी आप इस वॉल को देखिए, इस वॉल पे भी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिल रहा है हमें, काफ़ी अच्छा वर्क जो है, काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है इस पर। अब चलते हैं आप सभी को लेकर थोड़ा सा और आगे, लेके चलते हैं आप सभी को मेन एंट्रेंस डोर की ओर। हमारे दो स्टेप्स में हमारा मेन एंट्रेंस डोर आ जाता है। उससे पहले इस तरफ को हमारी जो वेलकम वॉल है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, आर्टिफिशियल प्लांट्स के साथ काफ़ी अच्छा लुक दिया हुआ है, एनहांस किया हुआ है, लुक को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ, बहुत सुंदर लग रहा है। एंड एक चीज़ ये है कि ये डुप्लेक्स भी है, कि घर के अंदर से भी इसकी एंट्री रहेगी फर्स्ट फ्लोर के लिए, बट बाहर से भी है। आप देखिए बाहर से भी टॉप तक की एंट्री। एंड यार एक और बात तो मैंने बताई नहीं आपको, आई एम सो सॉरी, विद लिफ्ट है ये घर। हाँ, विद लिफ्ट आपको मिल रहा है ये घर। तो आ जाइए, आप सभी को ना इंतज़ार करवाते हैं, लेके चलते सीधा घर के अंदर। और इधर देखिए आप, ये एंट्रेंस पे ही काफ़ी अच्छा फॉल सीलिंग का वर्क, LED लाइट्स का वर्क हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। सो दोस्तों एक और मैं बात बता देती हूँ, इस घर में अभी फ़िलहाल एक और कोट होना बाकी है पेंट का। आप देखेंगे घर के अंदर जाके, वैसे आपको नहीं लगेगा बट अभी इसमें एक और कोट होना बाकी है। बाकी जिन्होंने बनाया है अपने रहने के लिए बनाया था, बहुत प्यार से बनाया था, बट अभी वो बाहर जा रहे हैं तो इसीलिए वो इस घर को ना सेल आउट करना चाहते हैं। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आप सबको इसके घर के अंदर। उससे पहले डोर की बात करते हैं। अब डोर देखिए कितनी अच्छी हाइट पे है, हाइट काफ़ी अच्छी है डोर की, एंड डोर का जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा है, प्रॉपर वुडन का डोर है, काफ़ी ज़्यादा रॉयल फील भी आ रही है। एंड साथ ही में डिजिटल लॉक भी है, तो डिजिटल लॉक आपका आ गया, साथ ही में कैमराज यहाँ पे हर एक स्पेस में आपको कैमरा देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम में ना सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में है। हालांकि ये गेटेड है, गेटेड सोसाइटी है प्रॉपर, बट फिर भी स्टिल हमें अपनी सिक्योरिटी का अपने आप ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब आप सबको लेके चलते हैं इसके घर के अंदर, और आप सबका दिल भी करते हैं गार्डन आ जाइए।
साथ में मैश डोर भी है, अब देखिए मैश डोर भी आ जाता है, काफ़ी अच्छा था इसका, काफ़ी अच्छी हाइट है। डोर्स की तो मैं हाइट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है पर्सनली। बाकी चलते हैं, आ जाइए। अब हम आ चुके हैं घर के अंदर, एंड घर के अंदर दोबारा से ही एंटर करते ही अगेन पॉजिटिविटी एरिया, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं। अगेन स्टार्टिंग से ही जब हमने घर में एंटर किया ही है तब से ही बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स भगवान का हाथ सर पे रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगी। तो चलिए अब दिखाते हैं आप सभी को इस घर का सबसे पहले ड्राइंग एरिया, आपका बहुत ही स्पेशियस सा, बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है इस एरिया में, ये करीबन आप लगा के चलिए 10-12 सीटर सोफ़ा तो है कम से कम, उससे भी ज़्यादा मैं बोलूँगी, काफ़ी आराम से यहाँ पे लोग फिट हो जाएंगे। एंड सामने ये जो लुक है, वाओ, ये यहाँ पर डबल हाइटेड लॉबी वाला लुक यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर आ रहा है, बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए कितना खूबसूरत वर्क किया है, काफ़ी डिफरेंट लुक भी है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लुक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपका टीवी पैनल स्पेस आ जाता है, ये टीवी पैनल एरिया है। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि मैं आप ही के साथ अंदर एंटर करी हूँ घर के अंदर, और मैं भी एक्साइटेड हूँ आप सभी की तरह कि यार और क्या क्या देखने को मिलेगा। एंटर करते ही इतना सारा स्पेस के साथ ड्राइंग स्पेस देखने को मिला है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ और भी कुछ कुछ देखने को मिलेगा साथ साथ में। या वाओ, तो आप ये वाला स्पेस भी देखिए, ये भी कितना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। इंटीरियर वर्क बहुत अच्छा है इस घर में देखने को मिलेगा आप सभी को, इंटीरियर वर्क बहुत ही अच्छा है। एंड यहाँ से आप एंटर भी कर सकते हैं इसके अंदर, ये देखिए। तो जैसा मैं बोल रही थी डबल हाइटेड लॉबी, प्रॉपर डबल हाइटेड लॉबी आपका आ गया, ये देखिए बहुत ही अच्छा काम है यार, बहुत अच्छा काम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये आर्टिफिशियल प्लांट्स का यहाँ पे भी काम जो देखने को मिल रहा है, पाम ट्री जो जिसे कहते हैं हम, प्रॉपर बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, बहुत सुंदर। अब उसके बाद इधर जो ये आप देख रहे हैं ये स्टोर रूम आ जाता है, ये देखिए ये एक स्टोर रूम दिया हुआ है कि आपका कोई भी एक्स्ट्रा सामान है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो यहाँ पे इजीली आप फिट इन कर सकते हैं, आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। सो अब इसके बाद क्या देखे यार, क्या क्या देखे, मेरे को तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी। अच्छा, हमारा ड्राइंग के बाद हमेशा आता है अपना डाइनिंग एरिया, है ना। तो बट डाइनिंग एरिया देखते हैं, उससे पहले आप ऊपर देखिए एक बार यार, क्या लुक है, आ रही है या नहीं आ रही है मुझे ये बताइए, होटल वाली वाइब्स आ रही है या नहीं आ रही है। प्रॉपर होटल्स में ऐसा लॉबी एरिया मैंने देखा है, सीरियसली मैं मजाक भी नहीं कर रही हूँ, मैंने वहीं पे देखा है, बहुत सुंदर। और शैंडलर का लुक, वाओ, शैंडलर का लुक तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा फैंसी है, बहुत ही ज़्यादा क्लासी लुक आ रहा है उसका। एंड साथ ही में फॉल सीलिंग की बात की जाए तो प्रॉपर LED लाइट्स के साथ आपकी फॉल सीलिंग आ जाती है, वुडन का काम भी हमें काफ़ी सारा देखने को मिल रहा है। एंड घर के अंदर भी CCTV है जो कि बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आप सभी को लेकर चलते हैं पाउडर रूम की ओर, एंड दिखाते हैं लिफ्ट भी साथ में, आ जाइए। यहाँ पे पहले तो लिफ्ट आ जाती है, सो ये लिफ्ट है इधर, अभी फर्स्ट फ्लोर पे है, आने दीजिए, आ चुकी है लिफ्ट, क्या बात है। सो ये लिफ्ट आ गई, बट अभी नहीं जाएंगे हम, उससे पहले हम देखते हैं पाउडर रूम। सो ये पाउडर रूम आ जाता है, ठीक है, ये पाउडर रूम है, काफ़ी डिसेंट साइज है, अच्छा खासा हमें साइज मिलता है पाउडर रूम का। एंड इधर भी आप देखिए, जैसे हमने उस तरफ को देखा था ना अपना ड्राइंग एरिया में टीवी पैनल के बैक साइड पे, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पे ज़्यादा ही ग्रीन वर्क है, यह सारा आर्टिफिशियल काम है, सारा का सारा आर्टिफिशियल काम यहाँ पे किया हुआ है। अगेन डबल हाइटेड आ गया आपका लॉबी, बहुत सुंदर लग रहा है यार, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है। मेरे शायद वर्ड्स कम पड़ जाएंगे इस एरिया को डिस्क्राइब करने में, या इस पूरे घर को डिस्क्राइब करने में, जेन्युइनली शायद बोल सकती हूँ, बट बहुत ही अच्छा काम देखने को मिल रहा है। और ये वाला स्पेस भी आप देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा स्पेस है,
यहाँ पे तो फोटोज काफी अच्छी आ जाएंगी। सोचिए आपका घर है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, अपने ही घर में फोटोशूट करते रहिए, फोटोग्राफर बुलाइए एंड फोटोशूट करते रहिए। तो चलिए, ये तो हमने देख लिया है, अभी स्टेयर्स की मदद से चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, उसका भी टाइम आएगा, बट अभी हम देखते हैं डाइनिंग स्पेस एंड किचन एरिया। तो ये आ गया डाइनिंग एरिया। वाओ, कितना खूबसूरत लुक है यार डाइनिंग एरिया का भी, बहुत ही कमाल का डाइनिंग स्पेस है, बहुत ही सुंदर लग रहा है डाइनिंग एरिया की भी, क्या ही बात है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है 6 सीटर, आप इसको 8 सीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस हमें मिल जाएगा। मूव करने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, आगे पीछे आप कहीं से भी मूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। एंड ऊपर काफ़ी अच्छा हमें फॉल सीलिंग का वर्क देखने को मिल रहा है, काफ़ी डिफरेंट वर्क भी है फॉल सीलिंग का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंटीरियर वर्क लाजवाब करवाया है यार ओनर ने, जो काम करवाया है ना इस घर के अंदर बहुत ही अच्छा है, जैसे कहते हैं ना कि खुद के रहने के लिए बनाया है तो ऐसा बनाया है, बहुत ही कमाल बनाया है। क्या बात है, शायरी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका वॉश बेसिन एरिया आ जाता है, जैसे आपने अपना ब्रेकफास्ट डिनर लंच किया एंड उसके बाद हाथ आपको अपने वॉश करने हैं, यहाँ पे आपके हैंड्स वॉश हो जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा वॉश बेसिन एरिया भी यहाँ पर आ गया। साथ ही में एक क्रॉकरी यूनिट, आप देखिए कितना खूबसूरत क्रॉकरी यूनिट है एंड कितनी खूबसूरती से इसको सजाया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब चलिए लेके चलते हैं हमेशा की तरह मेरे फेवरेट हिस्से में घर के, वो है किचन। किचन तो मेरा बहुत ही फेवरेट हिस्सा है, हमारा आ जाता है मॉड्यूलर किचन। यहाँ पर कुछ बना लेती हूँ मैं, कहाँ कुछ बना सकती हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता बनाना, थोड़ी बहुत चीज़ें आती है बस। अब देखिए इस किचन की मैं क्या बात करूँ यार, अल्ट्रा लग्जरियस किचन, और स्पेस कितना है, स्पेस की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा स्पेस है, काफ़ी स्पेशियस एरिया हमें मिल जाता है किचन में। मे बी आपने ऐसे हॉलीवुड की मूवीज़ में ऐसा किचन देखा होगा, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी ज़्यादा एरिया यहाँ पे। अगर मैं कहूँ ना, पाँच से छः लोग भी अगर खड़े होंगे यहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी इशू नहीं आएगा, बहुत ही सारा स्पेस है यहाँ पर। आप कैबिनेट्स देखिए, अपर कैबिनेट्स एंड लोअर कैबिनेट्स दोनों ही हमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं विद द सॉफ्ट क्लोजर। ये देखिए, ये प्रॉपर सॉफ्ट क्लोजर के साथ रहेंगे, ईजी, वेरी ईजी। यहाँ पर भी आपने एक ना आपका सिंक भी दिया हुआ है, ताकि छोटी मोटी चीज़ें जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वो सब आपको वॉश करने हैं तो आप यहीं पे ही वॉश कर सकते हैं उनको। अब ये तो था हमारा किचन, ऊपर देखिए आप, ऊपर भी कितना अच्छा काम है, ये सारा का सारा ना आर्टिफिशियल यू नो प्लांट्स है, सारे के सारे आर्टिफिशियल हैं, बट लुक कितना अच्छा है, बहुत ही सुंदर काम हमें पूरे किचन का देखने को मिल रहा है। और पीछे यार, ये क्या घर है, क्या बनाया है, सीरियसली मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, मुझे सच में बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लुक जो घर का। आप जस्ट खुद को इमेजिन करिए इस घर के अंदर, एक बार सोचिए ये आपका खुद का घर है। तो ये तो था हमारा ड्राई किचन, अब दिखाती हूँ आपको वेट किचन। तो इधर ये है आपका वेट किचन, आजकल यहाँ पे भी ऐसा ही यू नो किचन्स बनने लग गए हैं। पहले ऐसे किचन बाहर ज़्यादा देखने को मिलते थे, आउट ऑफ इंडिया ऐसे कॉन्सेप्ट बना दिया गया था कि आपका वेट किचन सेपरेट रहेगा एंड जो ड्राई किचन है वो सेपरेट रहेगा, तो वैसा ही यहाँ पर अब होने लग गया है कि वेट किचन जो है वो सेपरेट है एंड जो आपका ड्राई किचन है दैट इज़ ऑल्सो सेपरेट। हाँ जी, तो मैंने कहा था स्विमिंग पूल के बारे में भी मैंने मेंशन किया था स्टार्टिंग में, ये ले आए हैं आपके लिए, ये लीजिए, यहाँ पे आके तैरिए, मज़े लीजिए अपने ही घर में। क्या बाय गॉड, मतलब जो अपने घर का सुकून है ना वो कहीं नहीं मिलता। आप मुझे बताइए इस बारे में, ये मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, जो अपने घर पर सुकून मिलता है, अपने बेडरूम में अपने बेड पर सुकून मिलता है, वो कहीं और मिलता है? आप बताइए, ये मिलता है या नहीं, वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फॉर मी नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं, अपने ही घर में सुकून मिलता है, कहीं बाहर नहीं मिलता है बिल्कुल भी। तो ये स्विमिंग पूल आपका आ जाता है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा है। आप इसको देखिए, यहाँ से आप इसको शेड हटा भी सकते हैं, इसका जो शेड है वो हट भी जाएगा, तो आप डे की वाइब आप ले सकते हैं। आई डोंट नो हाउ टू
ऑपरेट दिस, सो आई विल नॉट टच इट. सो यहाँ पे आप देखिए, आपका स्विमिंग पूल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारी स्पेस हमें मिल जाती है. एक पार्टी हो सकती है आपके घर में, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एक पूल पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बहुत ही मज़े आ जाएंगे. तो ये तो था आपका स्विमिंग पूल. अभी वीडियो के एंड में बने रहे, और भी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी. हमने किचन, ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया, बाहर का सारा, अंदर भी, हम सब कुछ देख चुके हैं. अब बारी आती है हमारे बेडरूम्स को चेकआउट करने की, तो चलिए अब बेडरूम्स में लेके चलते हैं. सो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है. वाओ, कितना ज़्यादा स्पेशियस बेडरूम है आपका. फर्स्ट बेडरूम ही कितना ज़्यादा स्पेस के साथ, आप देखिए बहुत ही स्पेशियस है ये बेडरूम. इतना ज़्यादा कमाल का काम किया है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए फर्स्ट बेडरूम मेरा फेवरेट बेडरूम रहने वाला है. आप मुझे बताइएगा आपको कौन सा ज़्यादा बेडरूम पसंद आया है. सो यहाँ पे पीछे आपका टीवी पैनल का क्या काम देखने को मिल रहा है. इधर वुडन का प्रॉपर काम है, ये सारा का सारा वुडन का काम हमें देखने को मिल रहा है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है. बहुत ही कलर कॉम्बिनेशन पूरे ही रूम के बहुत कमाल के हैं. अब वो देखिए फॉल सीलिंग, वाओ क्या कमाल की फॉल सीलिंग है. मैंने शायद से पहली बार देखा होगा ऐसा फॉल सीलिंग, बहुत ही कमाल लग रहा है. ये हमारा बेड आ जाता है, इधर सेंटर में आपका बेड रहेगा. बेड के साइड्स में साइड टेबल्स आ गए. बैक पे भी काफ़ी अच्छा वुडन का काम हमें देखने को मिल रहा है. एंड इस बेडरूम से आपको प्रॉपर व्यू मिलता है आपके स्विमिंग पूल का, एंड यहाँ से आपको एक्सेस भी मिलता है आपके स्विमिंग पूल का. ये देखिए, सो यहाँ से आपको एक्सेस भी मिल रहा है स्विमिंग पूल का. तो ये तो काफ़ी कमाल की बात होने वाली है कि आपको एक्सेस मिल रहा है यहीं से ही, आपके फर्स्ट बेडरूम से आपके स्विमिंग पूल का. तो अब लेके चलते हैं आप सभी को वॉक इन वार्डरोब की ओर, एंड अटैच्ड वॉशरूम साथ में. सो सबसे पहले यहाँ पे आपका वॉक इन वार्डरोब आ जाता है. ये आपका वॉक इन वार्डरोब स्पेस रहेगा, ये भी काफ़ी कमाल है. एंड इधर को आपके काफ़ी सारे, यहाँ पे भी उधर भी काफ़ी सारे वार्डरोब के स्पेस आपको मिल जाते हैं. मतलब स्टोरेज की आपको कोई भी कमी नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टोरेज की. एंड यहाँ पे आपका आ जाता है बाथिंग स्पेस. सो ये आपका बाथिंग एरिया आ गया. यार ये तो काफ़ी अच्छा वॉश बेसिन का काम काफ़ी अच्छा किया है. उधर आपका बाथिंग स्पेस आ गया, और काफ़ी अच्छा ये जो टाइल्स हैं, टाइल वर्क काफ़ी अच्छा है. फुल हाइट तक की टाइल्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं. फ़ैन भी आ गया, वॉशरूम के अंदर फ़ैन है. क्या बात है यार, वाह. और इधर आपका बड़ा सा मिरर आ गया, सो दैट आप अपने आप को टॉप टू बॉटम देख सके. दोस्तों हमने हमारा फर्स्ट बेडरूम तो देख ही लिया है, अब आप सभी को लेके चलते हैं सेकंड बेडरूम की ओर. सो ग्राउंड फ्लोर पे हमें टू बेडरूम्स मिल जाते हैं, तो आ जाइए सेकंड बेडरूम में. सो ये है सेकंड बेडरूम. वाओ, स्पेस कितना सारा है, कितना ज़्यादा स्पेशियस आपका सेकंड बेडरूम है. हमने जैसा फर्स्ट बेडरूम देखा था वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस था, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है. यहाँ पे टीवी पैनल, ये देखिए ये टीवी पैनल आ गया, और काफ़ी अच्छा टीवी पैनल है. काफ़ी डिज़ाइनर टीवी पैनल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. वुडन का टीवी पैनल है. वाओ, ऊपर फॉल सीलिंग का भी काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फॉल सीलिंग का काम है. ये सेंटर में आपका बेड आ जाता है, साइड्स में टेबल्स आ जाती हैं. बेड के बैक पे भी काफ़ी अच्छा काम हमें देखने को मिल रहा है. यहाँ पे आप देखिए आपको एक्सेस मिल जाता है यहीं से, आपके जो आपने फ्रंट यार्ड बनाया है यहाँ पर, तो आपको यहाँ का एक्सेस मिल जाता है. आप जाके बाहर बैठ भी सकते हैं, बहुत ही ईजी जाएगा, यहाँ से एक्सेस है. तो अब चलते सीधा इस बेडरूम के वॉक इन वार्डरोब की ओर. सो इधर वॉक इन वार्डरोब आ जाता है, ये देखिए. सो ये वॉक इन वार्डरोब है, और काफ़ी सारे यहाँ पे वार्डरोब्स हमें देखने को मिल रहे हैं. ऊपर भी काफ़ी सारे वार्डरोब हैं, नीचे भी काफ़ी सारे वार्डरोब्स आपको मिल रहे हैं. कैबिनेट्स यहाँ पे काफ़ी सारे मिल रहे हैं, सो दैट हमें ना फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम ना आए, ऑफकोर्स स्टोरेज की. और यहाँ पे ये देखिए, ये आ गया आपका वॉश बेसन एरिया. इधर वॉश बेसन एरिया आ गया, इधर आपका बाथिंग एरिया आ गया. सो ये बाथिंग एरिया आपका आ जाता है.
एंड यहाँ पे भी टाइल वर्क काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, फुल हाइट तक की टाइल्स हैं। अगेन यहाँ पे आप देखिए विंडो आपका आ गया, एग्जॉस्ट फैन यहाँ पर आ गया, क्योंकि वॉशरूम के अंदर भी ना एक एग्जॉस्ट फैन एंड एक विंडो का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो नेचुरल लाइट बनी रहेगी एंड सेकेंड एक चीज़ ये है कि वेंटिलेशन भी बनी रहेगी आपके वॉशरूम के अंदर। तो आइए अब आप सभी को लेकर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और उससे पहले एक मैं बात बोलना चाहूँगी कि ये जो स्टेयर्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं। आप देखिए यहाँ पर जो हमें ना वर्क देखने को मिल रहा है, हम मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एंड मेरे राइट हैंड साइड पे जो हमें डबल हाइटेड लॉबी का वर्क देखने को मिला है, इधर भी एंड उधर भी, तो ऐसा ना यूजली इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कमाल का है कि एक तो ग्रीनरी का लुक जो है वो भी बरकरार रहेगा एंड ग्रीनरी की वजह से ना आपका जो घर है वो बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जैसे आप भी अपने घर में अगर प्लांट्स थोड़े बहुत अंदर रखेंगे तो उसका जो लुक है ना वो थोड़ा और ही बढ़ जाएगा, बहुत खूबसूरत रहेगा। और जो हमारी स्टेयर्स भी प्रॉपर वुडन की स्टेयर्स हैं ये देखिए, और स्टेयर्स का लुक भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा रॉयल फील के साथ है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो जल्दी से आ जाइए ना, टाइम को वेस्ट कीजिए, मिलिए मुझे फर्स्ट फ्लोर पर। यार कितना अच्छा लुक है, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना डिफरेंट लग रहा है, आप खुद ही देखिए, आप भी मेरी बात से अग्री करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है डेफिनेटली। एंड ऊपर काफ़ी सारा वुडन का वर्क हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे प्रोफाइल लाइट का भी काम देखने को मिल रहा है। और इधर जो हम नीचे से देख रहे थे ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, आप खुद देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट लुक है इसका। जैसे मैंने बोला था होटल्स में ऐसा होता है कि ऐसे राउंड शेप में आपको लॉबी एरिया देखने को मिलता है, सेम एज इट इज़ उसी तरीके से यहाँ पे भी बनाया हुआ है। शैंडलियर का लुक आप देखिए कितना ज़्यादा क्लासी है, कितना फैंसी है, काफ़ी ज़्यादा फैंसी लुक है शैंडलियर का। एंड फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं LED लाइट्स के साथ, काफ़ी अच्छा लुक है ऑल ओवर, बहुत ही प्यारा लुक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। डेफिनेटली मेरे वर्ड्स बहुत कम पड़ रहे होंगे इस घर को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। अब चलिए आप सभी को सबसे पहले ना मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट बालकनी, तो सबसे पहले फ्रंट बालकनी देखते हैं, आ जाइए। आप ये वाला स्पेस देखिए, ये भी एक जैसे आप यहाँ पे स्टोर रूम भी बना सकते हैं, साथ ही साथ में एक पूजा स्पेस भी यहाँ पे बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। अब चलिए आप सभी को लेके चलते हैं फ्रंट बालकनी की ओर। सो हियर वी आर, ये आ गया हमारा फ्रंट बालकनी एंड बहुत ही अच्छी वाइब है, बहुत ही मतलब मैं बोलूँगी अच्छी वाइब इसीलिए है क्योंकि एक तो हवा बड़ी अच्छी आ रही है इधर एंड साथ ही में हमें घर का फ्रंट लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा है एंड ऊपर फॉल सीलिंग का काम भी हमें काफ़ी सारा देखने को मिल रहा है, वुडन का वर्क। एंड ये देखिए स्टेयर्स, सो ये स्टेयर्स आ गई जो हमें बाहर से ही मिल जाती हैं, सो दैट अगर आपने कल को सर्वेंट्स रखने हैं, हाउस हेल्प रखने हैं अपने घर में, तो उनका एक्सेस यहाँ से रहेगा एंड साथ ही साथ में एक चीज़ ये भी कि आपकी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन होती रहेगी। तो आ जाइए अब देखते हैं घर के अंदर हम तीन और बेडरूम्स को। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हमने दो बेडरूम्स देखे हैं, तो अब हम देख रहे हैं थर्ड बेडरूम, आ जाइए। सो ये आ गया थर्ड बेडरूम, वाओ काफ़ी अच्छा लुक है इस बेडरूम का भी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक लग रहा है मुझे, कहाँ से शुरू करूँ समझ ही नहीं आ रहा, कंफ्यूज ही हो जाती हूँ मैं कभी कभार। ऊपर फॉल सीलिंग का काफ़ी अच्छा वर्क हमें देखने को मिल रहा है LED लाइट्स के साथ, प्रोफाइल लाइट्स भी हैं, बैक बेड बैक भी बहुत अच्छी लग रही है, बेड बैक का काफ़ी अच्छा काम है, सेंटर में आपका बेड आ गया, साइड टेबल्स आ गए, इसी के सामने TV पैनल स्पेस आ गया, सो दिस इज़ योर TV पैनल एरिया। सो यहाँ पर आप अपना कोई भी साइज़ का बड़ा सा TV लगाइए, नेटफ्लिक्स प्राइम हॉरर फिल्म्स इन्जॉय करिए यहाँ पर। एंड यहीं से आपको ना आपकी एक सेपरेट बालकनी का भी जो एक्सेस है वो मिल जाता है यहाँ से, अब यहाँ से अपना एक्सेस ले सकते हैं सेपरेट बालकनी के अंदर। अब यहीं से दिखाते हैं आप सभी को अटैच्ड वॉशरूम एंड साथ ही में आपका वॉक इन वार्डरोब स्पेस। सो ये आपका वॉक इन वार्डरोब एरिया आ गया, ये देखिए, सो ये वॉक इन वार्डरोब स्पेस रहेगा, सामने बड़ी सी मिरर आ गई एंड यहाँ पर आपका वॉश बेसिन एरिया, सो ये वॉश बेसिन एरिया आ गया एंड इधर आपका बाथिंग स्पेस आ गया।
सो ये तो था आपका अटैच्ड वॉशरूम एंड यहाँ पे भी सेम ही है, विंडो है एंड एग्जॉस्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है। थर्ड बेडरूम भी देख लिया है, अब चलते हैं फोर्थ बेडरूम की ओर। उससे पहले यहाँ पर आप देखिए एक और स्टोरूम है, जैसे हमने नीचे देखा था सेम एज इट इज़ ही ऊपर भी एक स्टोरूम दे दिया गया है। सो इन केस आपका बहुत सारा लगेज है, बहुत सारा सामान है, आप यहाँ पे आराम से उसको स्टोर कर सकते हैं। सो ये आ जाता है आपका फोर्थ बेडरूम। ये फोर्थ बेडरूम है, यहाँ से आपको जो है लुक मिलती है बाहर की एंड साथ ही में एक्सेस मिलता है, व्यू एक तो बाहर का बना रहेगा एंड साथ ही में आपका जो यहाँ से है एक्सेस भी है बैक बालकनी का। एंड यहाँ पे आपकी सेंटर में बेड आ गया, बेड के बेड बैक भी बहुत अच्छा है, डिज़ाइनर है, साइड्स में साइड टेबल्स भी आ गए हैं। ओह, मैंने टीवी पैनल तो आपको दिखाया नहीं, ये देखिए ये टीवी पैनल आ गया, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऊपर फॉल सीलिंग का काम भी काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं एक बात बोलूँ अपने हिसाब से अपने तरीके से, तो ये है कि जिन्होंने रहने के लिए बनाया है ना, उन्होंने पूरा अपना जो मेहनत का पैसा है ना वो सीरियसली अपने घर पे लगा दिया है। कोई अपने रहने के लिए बनाता तो बहुत ही प्यार से बनाता है, चाहे वो बहुत ही छोटा घर हो या चाहे वो बहुत ही बड़ा घर हो, कोई अपना रहने का घर बना रहा है तो वो बहुत ही प्यार से बनाएगा, क्योंकि घर एक सुकून है, एक ज़रूरत है जो हर किसी की है। सो यहाँ पर आप देखिए बीच बीच में बड़ी फिल्मी हो जाती है, मुझे ऐसा फील होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका आ जाता है जो आपका वॉक इन वार्डरोब स्पेस। सो ये वॉक इन वार्डरोब एरिया आ गया, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी लुक है इसकी भी, काफ़ी एक्सपेंसिव वाइब्स भी आ रही हैं, काफ़ी लग्जरियस बनाया हुआ है। सो ये आपका आ गया यहाँ पर वॉशिंग एरिया, ये आपका बाथरूम स्पेस रहेगा एंड ये आपका वॉश बेसिन एरिया रहेगा। यहाँ पे भी मैंने आज कैसे नहीं बताया, मैं तो भूल ही गई, आज मैंने ये नहीं बताया कि हर एक वॉशरूम के अंदर जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स है वो सारी की सारी प्रीमियम क्वालिटी जैगुआर की फिटिंग्स हैं। फोर्थ बेडरूम भी देख लिया है, अब आपको लेके चलते हैं हमारे फिफ्थ बेडरूम की ओर। बट उससे पहले ये देखिए, ये आपका एक और किचन कम पेंट्री स्पेस रहेगा। ये देखिए ऊपर भी आपको फर्स्ट फ्लोर पे किचन कम पेंट्री स्पेस मिल जाता है। सो ये देखिए, अब चलते हैं बेडरूम की ओर। तो ये आ जाता है फिफ्थ एंड लास्ट बेडरूम, अगेन इसका भी काफी स्पेस है। यह मैंने आपको बताएं जैसे 450 गज है, बट ये जेन्युइनली 450 गज लगता ही है, कितना सारा स्पेस हमें मिल रहा है इस घर में। बेडरूम्स का साइज़ देखिए, लेआउट ही काफ़ी फैंटास्टिक है, लेआउट अगर आप घर का अच्छा निकाल लेते हैं ना तो आपका घर का जो स्पेस है वो काफ़ी ही अच्छा लगता है। यहाँ सामने को टीवी पैनल स्पेस आ जाता है, ये टीवी पैनल एरिया आपका आ गया, ऊपर फॉल सीलिंग का काम हमें मिल जाता है, बेड की बेड बैक भी काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइनर है, ये वुडन का काम आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है। अब आइए दिखाते हैं आपको वॉक इन वार्डरोब स्पेस। सो ये वॉक इन वार्डरोब एरिया आ जाता है एंड उसके साथ ही में इधर अटैच्ड वॉशरूम। सो ये अटैच्ड वॉशरूम एरिया आ जाता है एंड यहीं से आपको ना एक्सेस मिलता है आपके सेपरेट एक बालकनी का। ये देखिए, सो ये सेपरेट आपकी एक बालकनी आ जाती है, यहीं से ही आपको एक्सेस मिलता है आपकी प्राइवेट पर्सनल बालकनी। तो हमने हमारा सारा घर देख लिया है, नहीं नहीं अभी सारा घर नहीं देखा है, मैंने आपको बताया था ना जैसे होम थिएटर रूम। तो हम चलते हैं सीधा अब टॉप पे, हम जा रहे हैं टेरेस स्पेस में, तो उसकी एंट्री यहीं से ही रहेगी। तो आ जाइए चलते हैं टेरेस में और देखते हैं। सो दोस्तों मैं अब बता देती हूँ आपको हम कहाँ पर आज आपको लेकर आए हैं।
आज हम आपको लेकर आए हैं लुधियाना से करीबन करीबन 10 किलोमीटर पहले पाम सिटी में और गेटेड सोसाइटी में। सो आज आप कह रहे होंगे यार ये लुधियाना कैसे पहुंच गए, पूरा लुधियाना नहीं, लुधियाना से 10 किलोमीटर पहले। तो आज ये देखिए यहाँ पर ऊपर आते ही सबसे पहले क्या हवा चल रही है यार, वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है हवा है यहाँ पर। अब देखिए इधर, ये तो आपका पार्टी हॉल टाइप आ गया। अभी एक्चुअली जैसे मैंने बताया ओनर ने अपने रहने के लिए बनाई थी, बट अब उनका प्लान है बाहर जाने का, सो उन्होंने भी पूरा काम यहाँ पर नहीं करवाया है। तो यहाँ पर आपका इधर आएगा, मैं बता देती हूँ क्या आएगा, इधर आपका आएगा पार्टी हॉल, पार्टी एरिया, मतलब हॉल नहीं एरिया, पार्टी एरिया, पार्टी स्पेस आपका बनेगा इधर। सो यहाँ पे ऊपर तक मैंने आपको बोला था ना कि स्टेयर्स से जाएंगे, बट यहाँ ऊपर तक ना लिफ्ट भी आती है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ थिएटर रूम, जो मैंने बताया था होम थिएटर रूम आपका जो रहेगा सेपरेट, वो ये है। यहाँ पर ना बार कम होम थिएटर रूम बनाना था, ओनर ने अभी बनाया नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि यार हमें बना के ही दे दो, हमें खुद से कुछ नहीं करना है, तो उसमें जो है कॉस्टिंग थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। बाकी आप अगर खुद से करवाना चाहते हैं कुछ तो वो खुद ही करवा सकते हैं आप। यहाँ पर आप देखिए अगर आपको डे लाइट चाहिए तो उसके लिए ऐसे छोड़ दिया गया है शेड लगा के प्रॉपर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इधर अटैच्ड वॉशरूम दे दिया गया है, एंड यहाँ पर आपकी बालकनी भी है, एक्सेस आपको बालकनी का मिलता है। एंड यहाँ पर ना आपको दो और बेडरूम्स मिल रहे हैं, मतलब आप करीबन लगा के चलिए 3 बेडरूम्स ऊपर भी हैं आपके। सो ये 2 बेडरूम्स और इधर आ जाते हैं। अगर आप मतलब जैसे आपको हाउस हेल्प रखने हैं अपने घर पे, तो उनको आप ये दे सकते हैं रूम्स, नहीं तो आप अपने हिसाब से जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हैं, रेंट पे भी दे सकते हैं। एक ये काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है कि आप रेंट पे दे दीजिए, अपने ही घर से आपको भी आपको इनकम भी आती रहेगी। सो कैसा लगा आज का ये घर, उम्मीद करती हूँ बहुत ही पसंद आया होगा बहुत ही पसंद आया होगा आज का ये घर। एंड आप सोचोगे लोकेशन यार आज तो कहाँ ही ले आए आपको, डेफिनेटली आपने लोकेशन भी सुनी ली होगी। तो आप बताइएगा मुझे आज का ये घर कैसा लगा नीचे कमेंट्स में। अगर कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप हमसे लेना चाहते हैं, तो आपको नंबर हमारा मिल जाएगा, हैरी द टीम हमेशा आपके लिए हाजिर रहेगी। घर तो आपने देख ही लिया है, बहुत ही खूबसूरत था, डेफिनेटली था यार, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मेहनत से और अपने खून पसीने के पैसे से ये घर बनाया है, बहुत अच्छा बनाया ओनर ने, मैं बोलना चाहूँगी बहुत ही बहुत सुंदर है। कल को अगर ऐसा घर हम सबका भी होगा तो बहुत ही मज़े आ जाएंगे। चलिए दोस्तों आप अपना सब ध्यान रखिएगा, मैं मिलती हूँ आप सभी को अगली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार एंड शुक्रिया हमारी वीडियोस को देखने के लिए एंड हमें इतना सारा प्यार देने के लिए।